सारे दिल्ली के अंदर बधाई हो। अच्छा। कहिए बधाई ले रहा, किस चीज की बधाई ले रहा? अच्छा। बस तो जो है कम से कम इतनी संगत खड़ी है, एक ही बस। केजरीवाल का आएगा जी, किसका शासन आने वाला है? हम नया आदमी, हम क्या बताएं। कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं भवानी। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो? खट्टर जी की सरकार। खट्टर जी बढ़िया लगते हैं, केजरीवाल जी या मोदी जी? खट्टर भाई। जो MLA है, रोड का हालत खराब है, गाड़ियाँ पूरी टूट गई है वहाँ पर, जितनी गाड़ियाँ चलती है। आम आदमी पार्टी जो मुश्किल है, मिली जुली सरकार होगी आम आदमी पार्टी से, भाजपा से पद यात्रा निकल रही है। नहीं, मैं तो भैया 5-6 दिन से था ही नहीं यहाँ पे। 5 दिन से अभी खड़े हुए? नहीं, यूपी से आ रहा हूँ मैं। जैसे मई लगी, केजरीवाल सर ने कर रखी है टिकट फ्री हमारी भी की जाए। अच्छा। हाँ, और स्टूडेंट पास और कम किया जाए। सर, केजरीवाल जी आपके वहाँ पर आते हैं तो कैसा स्वागत करोगे? स्वागत करेंगे झूठों के भाई। ग्रामीण एरिया में जो सड़कें हैं ना, वो बुरी है बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका AA News में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजादपुर में, और आप ये देख सकते हैं आजादपुर बस टर्मिनल का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कुछ यात्री बस का वेट कर रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है तो कोई कहीं को जा रहा है, और वहाँ पर अभी एक DTC बस आ चुकी है, तो यात्री जो वेट कर रहे थे आगे जाने के लिए, वो आगे जा रहे होंगे। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो अभी पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के, क्या ये लोग चाहते हैं, किसका शासन ये दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव में चाहते हैं। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो आप? ठीक है जी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव कुछ टाइम रहेगा, क्या लग रहा है कि दिल्ली में MCD में किसका शासन आने वाला है? MCD में अभी तो कुछ चुनाव हो ही नहीं रहा, पोस्टपोन हो गया। थोड़ा पोस्टपोन हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम जनता की राय लेना चाह रहे हैं कि क्या चाहते हैं अभी, राय कैसे दे रहे हैं अभी। फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं रहा, ऐसा थोड़ी ये होएगा, कभी तो होगा ना, थोड़ा डिले हुआ होना तो है ही। मैं लग रहा है आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की। तो अंकल कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रोहिणी रहता हूँ। अच्छा, रोहिणी में कहाँ पे? Sector 22। अच्छा, तो वहाँ पे पार्षद का 5 साल का कार्य अच्छा रहा? नहीं, सेटिस्फैक्टरी, नॉट सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फाइड नहीं हुआ? अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाए वो? काफ़ी कुछ है, MCD को झगड़ा ही चल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे नहीं दे रही है, लगाया जाता है। सड़कों की साफ सफाई वगैरह प्रॉपर है उधर? हाँ, उधर तो ठीक है, पर जो कच्ची कॉलोनी है वहाँ तो हालत खराब है। अच्छा, तो मतलब कूड़े वाली गाड़ी आती है टाइम पे आपके यहाँ रोहिणी में? हाँ आती है, आती है, आती है। ठीक है, मतलब आप केजरीवाल को सपोर्ट कर? हाँ जी। तो यहाँ पे और भी है भाई साहब, इनसे जानते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी। दिल्ली नगर निगम में क्या लग रहा है कि दिल्ली में MCD में किसका शासन आने वाला है? केजरीवाल का आएगा जी। कहाँ रहते हैं आप? दरियापुर कला। तो वहाँ पे पार्षद कौन थे पहले? पार्षद फिलहाल वो पवन शर्मा की वाइफ है। अच्छा, कौन सी पार्टी है वो? आम आदमी पार्टी से। अच्छा कार्य किया उन्होंने? अच्छा कार्य किया, प्रॉपर वहाँ पे सब चीज़ है, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब टाइम बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ें टाइम पर आती है, सब टाइम पे जी। और भी हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? हवाला आपने सुनी लिए, काम तो अच्छा चल रहा है इनका, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टाइम सब काम टाइम से हो रहा है। लेकिन भाजपा राज ही कर रही थी एक तरीके से MCD पे, अब लोग थोड़ा चेंज चाह रहे हैं, तो केजरीवाल को जिताना चाहते हो आप भी? नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम तो उनको जिताएंगे। अच्छा, आप केजरीवाल जी के फैन नहीं है? नहीं, फैन तो सबके, जो वो अच्छा काम करे तो उनके फैन है। अच्छा, आप किस साइड रहते हैं? मैं नरेला साइड में रहता हूँ। अच्छा, नरेला तो सबसे बड़ा वार्ड पड़ जाता है, वहाँ से मौजूदा पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कैसा बनाना चाहोगे? प्रतिशत कितना प्रतिशत विकास किया उन्होंने नरेला में? तो अभी चल रहा है विकास, अभी तो लटका हुआ है, मतलब लटका हुआ है, तो अभी मतलब चल ही रहा है वैसे तो। विकास कैसे होगा आपके हिसाब से? अभी अच्छा ही होने वाला। अभी आपका शुभ नाम? कपिल नाम। मतलब अभी आप जैसे वोट देने भी जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आप माइंड में रख के चलेंगे? विकास की होगी और ये अपने रोजगार की। अच्छा, स्टूडेंट भी है, रोजगार भी चाहते हैं? हाँ जी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही है कि जो पार्टी अच्छा काम करे आप उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं का साथ दीजिए, उन बाकी सब आपको दिख ही रहा है कि कौन कैसा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसी के साथ चलेंगे हम। तो दर्शकों यहाँ पे थोड़ा सा हमें वहाँ जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे ये मेट्रो का रास्ता है, आपको तिरंगा भी दिख रहा है, जूम करवाना चाहूँगा, हमारे देश का झंडा देख सकते हैं, तिरंगा, बेहद खूबसूरत नज़ारा। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये मेट्रो का रास्ता है, और ये फुट ओवर ब्रिज है, इधर से आप देख रहे हो जो लोग आ जा रहे हैं, ये फुट ओवर ब्रिज है। तो अभी आजादपुर टर्मिनल का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये बस है यहाँ पे, अभी खड़ी हुई है जाने के लिए, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, बाकी यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। तो
तो इनसे एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली एमसीडी चुनाव में किसका शासन आने वाला है? हम नए आदमी, हम क्या बताएं। कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं बवाना। अच्छा, बवाना में पहली बार आए हो? पहली बार हम आए किए हैं, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, बवाना में पहली बार आए हो जी। पहले कहाँ रहते थे? बिहार रहते थे। बिहार तो वहाँ का बढ़िया है सब चीज़। हाँ। नेता वेता बढ़िया काम करते हैं। हाँ, सब चीज़। तो बिहार के नेता बढ़िया है दिल्ली के? सब तो हमारा लिए ठीक है हमारा। हाँ। आपका शुभ नाम? आप क्या बोलना चाहते हो एमसीडी इलेक्शन? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो? खट्टर जी की सरकार। खट्टर जी बढ़िया लगते हैं, केजरीवाल जी या मोदी जी? खट्टर भाई। खट्टर जी, आपका क्या कहना है? अभी एमसीडी चुनाव है ना दिल्ली में, क्या लग रहा है कि किसका शासन आने वाला है? मेरा भाई किसका शासन पड़ता? आप कहाँ रहते हो? मैं तो मुंगेशपुर आकर कुतुबगढ़ दौड़ रहा। अच्छा, तो वहाँ पे दिल्ली में हाँ वहाँ पे 5 साल का अच्छा काम हुआ एमसीडी द्वारा? के काम आज है टेम्पो बस तो मिलते ना, बता कौन से काम आज है बता। रोड वगैरह सही नहीं है वहाँ पे? रोड एक भी कराड़े वाला अच्छा है बनने लिया प्रॉपर बता दो। क्या पता वीडियो के माध्यम से सरकार कुछ स्टेप करे ठीक हो जाए रोड। देखो भाई ज्यादा अच्छा एड्रेस बता दो। सारे खत्म हो रहे हैं, एक भी रोड ढंग का कौन है ना भैया? कूड़े वूडे की गाड़ी टाइम पर आती है, पार्कों में साफ सफाई होती है? कूड़े की तो आ जाए पार्क का भी, पार्क में हम तो जाते ना भाई। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए केजरीवाल जी से क्या गुहार लगाओगे? केजरीवाल ने क्या लगाऊं भाई, काम तो देखा था ठीक है कर रखे है कि नहीं? हां भाई केजरीवाल वो ठीक है। हां बढ़िया बात, काम अच्छा मतलब एमसीडी में चेंज आते। हां आपका शुभ नाम? विकास नाम। अरे विकास क्या बोलना चाहोगे यार, कहां रहते हो आप? पंजाब खोड़ रहते हैं भाई। कहां पे? पंजाब खोड़। पंजाब में रहते हो? पंजाब खोड़। अच्छा दिल्ली में ही? दिल्ली में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहां का विकास कितना हुआ है? विकास तो भाई सारा रोड तो हमारा टूटा पड़ा है। अच्छा, वहाँ के पार्षद सही काम नहीं करते? पार्षद और एमएलए ठीक काम नहीं करते? काम चालू, अभी थोड़ा काम रहा है, रहा भी काम चालू है। अच्छा, 5 साल का कितना काम हुआ है आपके यहाँ पे एमसीडी द्वारा? जाओ भाई यार हमारे वहाँ पे। हाँ साफ साफ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट चलती है? स्ट्रीट लाइट हाँ वो तो चलती है। घर की लाइट नहीं चलती? घर घर की लाइट 2 घंटे का पता नहीं, 3 घंटे का पता नहीं। चलिए आप खरीदारों क्या लग रहा है, लाइट गई होगी आई होगी? पता है यही भाग के देगी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप केजरीवाल से गुहार लगा दो लाइट के लिए। ठीक है भाई, लाइट आनी सी और के बस अभी वोट जाएगा हम सीढ़ी। अंकल जी आप क्या नाम है आपका? शुभ नाम कुमार। आप कहाँ पे हो, रहते हो? कुंजावला में। कुंजावला में रहते हो, वहाँ पे कितना विकास हो गया 5 साल में एमसीडी द्वारा? एमसीडी द्वारा तो ठीक ही हो रहा है, संतुष्ट है उनके काम से? संतुष्ट है, लेकिन जो एमएलए है रोड का हालत खराब है, गाड़ियाँ पूरी टूट गई है वहाँ पर, जितनी गाड़ियाँ चलती है। अच्छा। रोड की हालत तकरीबन पिछले 2-3 साल से न कोई एमएलए बना रहा न कोई कर रहा। तो फिर किसको वोट देने वाले हैं एमसीडी चुनाव में सोच समझ कर? बीजेपी को देंगे। भाई आपसे सवाल रहे, किसको वोट दोगे? आम आदमी पार्टी को। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? क्या लग रहा है एमसीडी में किसका शासन दिल्ली में आने वाला? कोई पता नहीं किसका साथ आ रहा है। अच्छा, अभी कोई पता नहीं। अब अंकल काफी आपको तजुर्बा होगा, बहुत सरकार आई गई, क्या लग रहा है सबसे अच्छी कौन सी है? कोई पता नहीं, कुछ ही पता नहीं अभी। सही बात है, मतलब बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो मुश्किल है, मिली जुली सरकार आएगी। मिली जुली आए, मतलब कैसे ही? जैसे कि मिली जुली कांग्रेस भी आ सकती है, आम आदमी आ सकता है, बीजेपी आ सकती है, जेडीयू भी है, जेडीयू आ सकती है क्या? जी हाँ जेडीयू भी आ सकती है, कोई जेडीयू भी आ सकती है। मतलब आप चाहते हो कि साझेदारी से एक सरकार? एक सरकार किसी नहीं आनी चाहिए, मिली जुली आनी। अच्छा मिली जुली आनी चाहिए। आपका शुभ नाम? बबलू। क्या नाम है आपका? बबलू तो है। उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल के हो, किसको वोट दोगे फिर? कोई पता नहीं, अभी तो वोट बना भी नहीं है। बना ही नहीं है? कहाँ रहते हो आप? करण विहार में। वहाँ के जनप्रतिनिधि उनका नाम बोलो और बताओ हमारा काम करे वोटर, तभी तो वोट दोगे आप? यस। क्या नाम है आपके यहाँ जनप्रतिनिधि? बबलू। नहीं बबलू नहीं, बबलू तो आपका नाम है। आपके वहाँ से जो जनप्रतिनिधि होंगे नेता होंगे उनका नाम जानते हो? हाँ जी केजरीवाल। ये नहीं मालूम, कोई गाना सुना दो फिर। भाई आपका नाम? शुभ नाम। आपकी आगे बहुत प्यारी है, क्या नाम है? नितिन नाम है? नितिन। नितिन भाई बताओ, दिल्ली एमसीडी चुनाव बस खुशी पल रह गया या फिर अभी डिले भी हो गए? केजरीवाल, हम तो केजरीवाल ही चाहते हैं, केजरीवाल आए और हमारे जो बिल वगैरह वो फ्री रहे। अच्छा। पंजाब में भी आके मैं तो बहुत खुश हूँ इसके लिए। हाँ। अच्छा, तो भाई कहाँ रहते हो आप? मैं कटरेडे से हूँ भाई, दिल्ली में बवाने के पास है। वहाँ पे कितना विकास हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है 5 साल में एमसीडी द्वारा? अच्छा हुआ कार्य, तो एक नंबर है, रोड वगैरह सब कुछ एक नंबर के बन रहे हैं। अच्छा। हाँ जोड़ वगैरह जो है ना वे भी सुधार दिए।
तो आप अभी कहीं से आ रहे हैं? मैं कोचिंग से आया हूँ अभी। किसी कोचिंग करते हो? कोचिंग लेता हूँ। अच्छा, कोचिंग करते हो? है 2021 में। तो क्या बनना चाहते हैं फिर बड़े हो गए? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। सही है, मतलब पढ़ाई ठीक हो रही है दिल्ली सरकार द्वारा? हाँ ठीक हो रही है। उधर केजरीवाल जब से आया सुधर गई स्थिति पढ़ाई में? हाँ थोड़ी बहुत 50% सुधर गई है। अच्छा ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत कमी है वो देखेंगे। कुल मिला के वोट केजरीवाल जी को जाएगा? केजरीवाल को फुल। अगर कुछ बात छूट गई हमसे आपसे क्या बोलना चाहोगे? वो तो अंकल जी भी हैं। अंकल जी आपका शुभ नाम? प्रेमपाल। प्रेमपाल हमें बताओ कहाँ रहते हो आप? कुतुबगढ़। कुतुबगढ़। कुतुबगढ़ वहाँ पे 5 साल में कितना काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है एमसीडी द्वारा। हाँ एमसीडी द्वारा सही काम हुआ है। तो कौन वहाँ पे पार्षद कौन है एमसीडी के? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन काम सही चल रहा है। बस काम सही हुआ है बस। पार्षद का नाम ही नहीं पता। नहीं मालूम हमें। कभी आए वो आपके वहाँ मोहल्ले में? नहीं नहीं मोहल्ले में। कब आए थे? बट वोट मांगने आए थे बस। हाँ और क्या, उसके बाद 5 साल गायब। अच्छा आपके आपके वहाँ पे भी भावी प्रत्याशी आ रहे होंगे आम आदमी पार्टी से, भाजपा से, पद यात्रा निकल रही है? सर नहीं मैं तो भैया 5-6 दिन से था ही नहीं यहाँ पे। 5 दिन से अभी खड़े हुए हो? नहीं यूपी से आ रहा हूँ मैं तो। अच्छा वहाँ पे वोट डालने गए थे? नहीं 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 नहीं। अच्छा वोट मेरे यहीं का है। मैं कहना चाहूँगा एक बात और भाई, इधर दिखा कैमरा। जैसे महिला की केजरीवाल सर ने कर रखी है टिकट फ्री हमारी भी की जाए। अच्छा हाँ, और स्टूडेंट पास और कम किया जाए। सौ कितना है भाई अभी? 415 का बनता है अभी ना, उसके कॉलेज का वो लगा स्टैंप पे। अच्छा और स्टैंप लगाते थे 400 कुछ का बन जाता है। अच्छा अभी आपको पता है ऐसे अभी नगर निगम चुनाव है, भावी प्रत्याशी है। हाँ। आप भी बन सकते हो भावी प्रत्याशी, निगम पार्षद बनना चाहो? मैं इंटरेस्ट नहीं इस चीज में। अच्छा। सरकारी नौकरी की तरफ हूँ अभी मैं। अच्छा, नहीं बनना आपको? नहीं नहीं बनना। केजरीवाल जी भी तो IRS थे, वो भी तो क्लियर करे गए थे UPSC। उनका अलग है हमारा अलग है। मतलब आप उनके आदर्शों पे नहीं चलना चाहते? नहीं 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 नहीं, मारा बस हमको काम चाहिए। क्या पता कल को आप ही CM बन जाओ दिल्ली? नहीं नहीं मुझे बनना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। सरकारी नौकरी का चाहिए मुझे, एक सरकारी नौकरी दिला दे। अच्छा 10 वोट दे दूँ। तो हमने इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन ये अटल थे काफी। ये मुझे होशियार तो लग ही रही है, स्टूडियस भी लग रही है, SSC में बनना चाहते हैं। हमारे भी भगवान से यहाँ प्रार्थना करेंगे भाई अवश्य बने। हाँ जी अंकल जी भाई बताओ, बस निकाली है तो इलेक्ट्रॉनिक, एक भी बस दिखाई ना दे रही? अच्छा नहीं दिख रही? नहीं कहाँ आई बताओ, कहाँ दिख रही है बताओ कैमरे में? भाई पहले कहाँ खो गई? मुझे क्या पता, आसमान निकल गया। आप केजरीवाल को पूछो ना कहाँ है वो, तो बोलो केजरीवाल जी को। केजरीवाल को पूछो कहाँ है वो, इलेक्ट्रॉनिक बस निकाली है तो बधाई पहले ले रहा, फिर टांग के वोट टांग दिए सारे दिल्ली के अंदर। बधाई हो बधाई हो, कहिए बधाई ले रहा, किस चीज की बधाई ले रहा? बस तो जहाँ कम से कम इतनी संगत खड़ी है, एक ही बस नहीं है कहीं भी, ना बस कहीं भी बस नहीं है। अच्छा अंकल आप, आपको क्या क्या सुविधा, पेंशन वगैरह सब आ रही है? बैंक वैंक की कोई मतलब नहीं है, बैंक से क्या लेना है, हमारे उम्र बीच के सारी कोई बैंक के क्या लेना है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, केजरीवाल सरकार की तरफ से अभी काफी श्रम कार्ड पेंशन वगैरह सब चल रही है ना? यहाँ संगत खड़ी है बस कैसे नहीं आ रहे? इलेक्ट्रॉनिक बस मंगाई है तो एक भी दिखा दो। अच्छा जी दर्शकों, अंकल जी का मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉनिक बस सिर्फ मतलब मीडिया में दिखी है और रोड पे नहीं दिखी, कह रहे हो? रोड कहीं भी ना दिखाई दिया जी। अच्छा टीवी चैनल पे देखी थी? ठीक, वो कुछ बधाई ले रहा है वो टांग का कैमरा केजरीवाल ने। अच्छा बधाई हो सब गाड़ी निकाल दिए, बधाई हो, वो आई ना सारी एक भी। अच्छा। वो तो अगर केजरीवाल जी आपके वहाँ पर आते हैं तो कैसा स्वागत करोगे उनका? स्वागत करेंगे जूतों के। आंटी जी भी, आंटी जी भी हंस रही है, क्या ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? भैया हम लोग क्या बोलेंगे, दिल्ली MCD चुनाव आने वाला है, किसको जिताना चाहते हो आप? हम तो OP के हैं भैया। यूपी में तो योगी जिता दिया आप? हाँ योगी जी आ गए हमारे। क्या बोलना चाहोगे योगी जी के लिए? योगी लिए एक बधाई, बधाई बढ़िया है। केजरीवाल ने औरत को छूट कर दिया, मर्दों को जेल करा रहे हैं जो कमाए खाए दिल्ली आए हैं। तो केजरी सरकार ने क्या मदद किया है? औरत को न छूट कर दिया, औरत जो चाहे वही कर ले, यही ठीक है। भैया आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तो हरियाणा से हूँ भैया। हरियाणा से हो? तो चलो हरियाणा से आप सारे हो, दिल्ली में तो आते ही हो ना? आते हो। दिल्ली के बारे में तो बता दो भाई। ग्रामीण एरिया में जो सड़कें हैं ना वो बुरी है बिल्कुल। यहाँ के जो पार्षद या MLA ठीक से काम नहीं कर रहे आपके साथ? काम क्या कर रहे हैं, बार बार उसको सड़क को तोड़ रहे हैं। अच्छा जो जो ठीक है उसको तोड़ के बनाते रहते हैं और क्या, बार बार या पाइपलाइन बिछाते हैं लेकिन वो काम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख ही बनाया जा रहा है, बार बार वहाँ पे पटी रहती है सड़कें। अच्छा ग्रामीण एरिया की। तो आप कहाँ जॉब करते हो भैया? याकूतबगढ़ के पास से आता हूँ।
तो क्या लग रहा है फिर जो अभी केजरीवाल लहर आ चुकी है एमसीडी चुनाव में, क्या लग रहा है कि आ जाएगी? अगर वोटर बैंक को देखते हैं तो आ सकती है केजरीवाल की सरकार। आपने देखा यहाँ पे जिस जिससे मैं सवाल, जो कॉलोनी है वहाँ पर केजरीवाल की सुविधा दे रखी है वहाँ पर उन्होंने, वोटर बैंक के हिसाब से तो आ सकती है। एक बिजली पानी फ्री के दम पे जीत जाएंगे वो, ये तो पता नहीं। लेकिन भाई ने भी बोला था कि महिलाओं को भी जो फ्री हुआ है, कईयों को रोजगार भी तो मिला ना, जैसे सिविल डिफेंस में लगाए हैं। लेकिन आपको पता है सिविल डिफेंस में वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है होमगार्ड की वो भी लगी थी, आपको पता है उन्होंने प्रदर्शन भी किया था ना? वो तो मैंने देखा नहीं, पर जल बोर्ड में ही पक्के कर दिए भाई। अच्छा पक्के कर दिए, अच्छा मतलब ये अच्छी सिविल डिफेंस अच्छी चीज लेकर आए। हाँ ये तो बात है ना भाई, यूनिवर्सिटी सिविल डिफेंस का उद्धार करा है उसने, क्या सिविल डिफेंस का भविष्य बताओ मेरे तो। अगर दिल्ली सरकार चलेगी सब चलेगा, क्या लगा केजरीवाल चले गए तो सिविल डिफेंस भी गई, इसे निवेदा होता है ठेके खोल सकते थे तो स्कूल भी तो खोल सकते थे। ठेकोगा क्या फायदा, ठेकोगा तो यार जो पीते ठेके खोल दिए तो स्कूल भी तो खोल दिए, ठेको तो प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट भी कर दिए, नौकरी छीन ली भाई सभी की। और कोई मुद्दा रह गया हो आपको, कोई मुद्दा उठाना हो? हमारे जो गांव का विकास और करवाए केजरीवाल सर, यही चाहूंगा मैं। और सड़क भी नहीं बनी हमारे वहाँ पे। आप कह रहे थे भाई साहब? टेवड़ा रहता हूँ भाई कती। अरे भाई वो चंदी के पास है, बवाने के पास। वहाँ तो थोड़ा क्राइम भी बवाने काफी ज्यादा। हाँ भाई शासन प्रशासन तो पछता है, हाँ भाई अपराधी मस्त सारे बदमाश बने। चलो हम आशा करते हैं कि आप वहाँ से IRS से IPS वगैरह निकले, ये दुआ करते। अब मैंने इतना बोल दिया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए गिफ्ट गाफ्ट। तो क्या लग रहा है कि MCD चुनाव में किसका शासन आने वाला है? MCD चुनाव के बारे में मेरे को कोई आइडिया है नहीं वैसे। तो दिल्ली में नहीं रहते आप? नहीं नहीं नहीं। कहाँ रहते हो? मतलब अभी हम पटना से आए थे, मतलब कहीं जस्ट अभी आए हो। हाँ पटना में कैसा लगा, दिल्ली में आया कैसा लगा? पटना में अच्छा है, दिल्ली में भी अच्छा है। आपको बता रहता हूँ वैसे MCD चुनाव आने वाले दिल्ली में ना, नगर निगम के। हाँ हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आप आउटसाइडर है, तो हमने बहुत लोगों से जानकारी लिया, आप बाहर से आपसे भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है कि दिल्ली में MCD चुनाव में किसका शासन आने वाला है? बेसिकली यहाँ पे केजरीवाल साहब है जो कि बहुत काम कर रहा है, काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि मे भी है कि यहाँ का जो भी पब्लिक है वो उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा। अब जाके कोई भी अगर बाहर के बंदे से जनरल हम क्वेश्चन पूछे, हाँ बिकॉज क्या है कि बाहर से देखते हैं तो किसी भी ले सकते हैं। हाँ 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 हाँ, जैसे कि बिकॉज अभी बाहर का लोग हैं तो हम लोग दिखते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल काम कर रहा है, तो जो काम करेगा भैया जो सरकार नहीं कर रही है वहाँ पे भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर रही है जो भी है, तो लेकिन वहाँ पे का बात है कि वहाँ पे जो कर रही है कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ओनली वन नीतीश कुमार, मतलब एक ही है कि वहाँ पे आपका नीतीश कुमार है वही करेगा, उसके अलावा कोई अदर फेस है नहीं। अगर आप वहाँ का भी बात करते कि पप्पू यादव है या जो भी है तो उन पे नहीं उतना है कि एक फेस हो गया है आज के बाद कि हाँ चलो। अच्छा, आपको बता रहा तो दिल्ली में क्या है कि ज्यादातर लोगों से पूछा जा रहा था केजरीवाल बोल रहे, तो क्या लग रहा है सही कर रहे हो? देखिए सर यहाँ पे काम कर रहा है वो तो ऑफकोर्स है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था वो भी सही करा, और भी चीज़ें हैं जो कि सब्सिडी के मामले में और भी जितने चीज़ें हैं वो काम कर रहा है, तो दिल्ली की छवि मेहनत दिल्ली की बाहर में छवि अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ख़राब है या गंदा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो गवर्नमेंट है, एक LG का है एक स्टेट का है, तो कोलिजन होते रहेगा कि आप जैसे कि अब आप हम ही दोनों भाई हैं सपोज कर रहे हैं, तो जैसे कि हम दोनों भाई हैं आपको कुछ पसंद है मेरे को कुछ नहीं पसंद है, तो हम लोग लड़ाई करेंगे कि भाई मेरे को ये नहीं पसंद है हम ये चीज़ नहीं कर देंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं कि LG साहब हैं या मतलब यहाँ का स्टेट CM साहब हैं, तो अब दोनों में रहती हैं, सेंटर में आपका मोदी साहब हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि सेंटर वाले तो बस ऐसी तरह होता है। चलो अच्छा ठीक है, मैं एक सिचुएशन देता हूँ, अगर आप दिल्ली के ही होते हाँ किसको वोट देते? हम केजरीवाल को ही देते हैं, जो काम करेगा बस उसी को वोट। केजरीवाल जी बहुत फेमस है बिहार में भी फेमस है, आपका नाम? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, हरे कृष्णा। हाँ। कुमार जी से मुलाकात हुई, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। नमस्कार मैम, कैसे हो? नगर निगम चुनाव में क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसका शासन आने वाला है? सर नो आइडिया। अच्छा तो मैम आप कहाँ रहते हो? सर मैं होलम्बी। अच्छा होलम्बी में जो पार्षद ने अच्छा कार्य किया 5 साल में MCD में? हाँ बिल्कुल। अच्छा जैसे आप रोड की साफ सफाई? हाँ बिल्कुल। गाड़ी आती है टाइम? हाँ जी बिल्कुल, टाइम टू टाइम आती है, डेली आती है। होलम्बी में? अच्छा हाँ जी। हाँ होलम्बी नहीं गए हम, चलो आप ही मिल गए। हाँ जी हाँ जी। कुछ अगर दिक्कत है वहाँ पे होती फेस करते हो आप
नहीं थोड़ा मतलब बसेस का था, बट अब वो भी है, अच्छी सर्विस है बसेस की। पहले थी ज्यादा प्रॉब्लम, बट अब तो है, अब ठीक है, मतलब पहले से काफी बेटर है। चुनाव में मुझे लग रहा है आप शायद केजरीवाल जी को ही, क्योंकि उस तरफ केजरीवाल का थोड़ा ज्यादा क्रेज है। हाँ जी हाँ जी। अभी हमें एक बिहार से भी कोई यात्री मिले तो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे भी छाए हुए हैं। हाँ जहाँ में तो छा गए, होलम्बी मेट्रो बिहार है उस तरफ। अच्छा वहाँ मेट्रो भी है। हाँ जी, क्योंकि उस तरफ वहाँ पर वो गए भी थे तो मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने वहाँ, मतलब मिला है वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स, उन्होंने काम भी अच्छा किया उस तरफ। पहले भी जैसे भाजपा थी, अब केजरीवाल जी जैसे सीएम है, एमसीडी में पहले भाजपा थी, तो क्या लग रहा है कि अब जैसे चेंज आ रहे हैं कुछ लोग, अगर एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाते हैं तो कितना विकास हो जाएगा सर? वो तो उन पर 272 वार्ड है पूरे दिल्ली में। हाँ जी हाँ जी। तो पूरा अगर सब में ही केजरीवाल आ जाते हैं तो कितना विकास हो जाएगा पूरी दिल्ली का? जैसे वो दिल्ली का कर रही हैं, अभी डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ है गाँव में जैसे, तो हमें लग रहा है कि अच्छा होगा, अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, स्कूल्स वगैरह में, रोड वगैरह, बसेस वगैरह, गांव में काफी डेवलप विकास किया है। हाँ जी हुआ है वो डेवलप। देखिए जितनी भी सरकार आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ना थोड़ा पिछड़ता जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि किसी की चीज की कमी नहीं होती, टैलेंट वहाँ पे कूट कूट कर भरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये है कि वहाँ पर थोड़ा जाकर नहीं हो पाता, फैसिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अब जैसे कि यहाँ फेस करते थे बसेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पहले, बट अब काफी अच्छा है, सुधार है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी है। तो दर्शकों आज हम आए थे आजादपुर टर्मिनल बस स्टॉप, यहाँ पर बेहद चर्चित बस स्टॉप है, यहाँ पे हमने लोगों से विस्तार में जानकारी प्राप्त करी आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, तो यहाँ पे एक नौजवान मिले जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनका यही कहना था केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए तो बस यात्रा करी, तो यहाँ तक कहना था कि जो उनका मासिक पास बनता है स्टूडेंट का उसमें भी काफ़ी पैसे लिए जाते हैं, आपने उनकी जुबानी सुना। तो दर्शकों आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी एरिया में आएँ और वहाँ पर भी सर्वे लें किसी भी मुद्दे पर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संपर्क सूत्र अवश्य लिखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी मेरे सहयोगी गुड्डू के साथ, देखते रहिए AA न्यूज़।